संडे स्पेशल कलेजी की ग्रेवी आज हम बनाएंगे। तो देखिए, एक किलो कलेजी हमने ले ली है और साफ शफाफ पानी से कलेजी को पहले धोना है। जिस तरह से ये पतीले में कलेजी रखी गई है, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें नमक डालकर फिर एक मर्तबा उसको धोना है। अच्छी तरह से धोने के बाद कलेजी का सारा पानी और उसको लगा हुआ खून वो सब धोकर दूसरे पतीले में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद अच्छी तरीके से उसको फिर एक बार धोएंगे। दोस्तों, इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसमें से कलेजी की स्मेल बिल्कुल ना आए। और कलेजी लेते वक्त छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लेना है, और जिस तरह से इसको हिलाया जा रहा है ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। फिर एक मर्तबा साफ़ और शफाफ पानी से इसको धोया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कलेजी कितनी क्लीन हो गई है, एकदम साफ और सुथरी। बनाने से पहले ये धोना बेहद ही ज़रूरी है, कंपलसरी हम जिसको कहेंगे। अब कलेजी हमारी धोकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसके बाद उसमें नमक डाला जा रहा है। नमक डालने के बाद अब देखेंगे कि इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और उसके बाद नमक डाला जा रहा है। नमक डाला गया, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें मिर्च डाली गई है। और एक बात आप नाज़रीन को सामईन को बताना चाहूँगा कि ये जो मिर्च है आप कंपनी की लें, घर में बनाई हुई न लें। उसके बाद ज़ीरा पाउडर जो कि भुना हुआ है वो उसमें डाला गया, और ये जो पेस्ट है मैं आपको बता दूँ, खोपरा, भुना हुआ ज़ीरा, दही, धनिया पाउडर, शाहज़ीरा, लवंग, इलायची, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, मिर्च, और उसके बाद हरा धनिया, इन तमाम को कलेजी में डालेंगे, और डालने के बाद उसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, उसको मिक्सअप करेंगे, और ऊपर से हरा कच्चा धनिया भी डालेंगे स्वाद के लिए, और तमाम को मिक्स करेंगे जिस तरह से यहाँ पे चम्मच से मिक्स किया जा रहा है, ताकि अच्छी तरह से तमाम जो चीज़ें हैं वो मैरिनेट हो जाएं और लजीज कलेजी तैयार हो सके। ये देखिए, ये पीसा हुआ गरम मसाला है जिसको हमने कलेजी में लगाया है, ये प्याज जो कि भुनी जा रही है। और अब एक कुकर लेंगे या एक पतीला लेंगे, कुकर लेना बेहतर रहेगा, उसमें तेल डाला जा रहा है। आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा खाने का शौक़ होता है, किसी को कम, तो अपने हिसाब से तेल डालेंगे। कुकर में तेल डालकर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जोश आ रही तब उसको रखेंगे। अब उसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि तेल में उबलाहट आना शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी हल्दी उसमें डाली गई है, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार
ذائقے کے مطابق، اور تھوڑی سی مرچ، کیونکہ میرینیٹ کرتے وقت ہم نے مرچ ڈالی تھی، یہاں پر تھوڑی سی مرچ ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے تیل میں ابال آ رہا ہے، اور جو میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی کلی ہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس تیل میں ڈالی جا رہی ہے۔ دیکھیے بڑی اچھی اور کانوں کو لبھانے والی آواز جسے ہم کہتے ہیں آ رہی ہے، اور یہ فائنلی ہماری کلیجی بن کر تیار ہوئی ہے۔ تو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا، چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔